आज से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा निकालेगी पदयात्रा। यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर का दौर जारी। 17 अफसरों का तबादला। ये संजीव सिंह विशेष सचिव वित्त बनाए गए। कुशीनगर में सड़क पर शव रखकर घंटों मृतक के परिजनों ने किया सड़क जाम। एक दिन पहले रेलवे ट्रैक पर युवक का मिला था शव। कानपुर में बाइक सवार ओवरब्रिज के रेलिंग से टकराकर नीचे गिरा। ओवरब्रिज से गिरकर युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में चोरों का आतंक चरम पर। वस्त्रम नाम के शोरूम से 1 लाख कीमती एसी आउटडोर चोरी। मथुरा के हनुमान नगर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। शव घर से करीब 500 मीटर दूर पर मिला। चंदौली में स्वाट टीम की बड़ी कामयाबी। 3 बाइक का लिफ्टर को किया गिरफ्तार। 9 बाइक बरामद। बरेली में कुतुबखाना चौराहे पर बनने वाले ओवरब्रिज का विरोध। व्यापारियों के विरोध के चलते काम शुरू नहीं हो सका। अमरोहा पहुंचे पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर का लव जिहाद मामले में फैसले का स्वागत। कहा कि उत्तर प्रदेश में रामराज स्थापित। भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़ बॉर्डर पर ऑपरेशन कवच के तहत गोष्ठी का आयोजन। महाराजगंज जनपद की सोनौली पुलिस ने गैंगस्टर के शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ जनपद के अलग अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज। पर्सी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। इंश्योरेंस के नाम पर की करोड़ों की ठगी। प्रयागराज में बाहरी वकीलों को जज बनाने के कॉलेजियम के प्रस्ताव के विरोध में आया हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर बाहरी जजों की नियुक्ति का किया विरोध। लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र में मंचलों ने युवती से छिड़काने के विरोध के बाद की पिटाई। इलाज के दौरान युवती की मौत। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवकों के हादसे में मौत। कानपुर के जाजमऊ में तनाव। एक दबंग सिपाही का वीडियो वायरल। थाना जाजमऊ के सामने ई रिक्शा चालकों पर थप्पड़ों के बौछार कर दी।